तो आज हम बनाने जा रहे हैं वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो ट्रांजिशन वाला लेटेस्ट पोस्टर आया है, जो उनकी मूवी आ रही है नेक्स्ट मंथ, डॉक्टर स्ट्रेंज इन अ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। भाई जब से स्पाइडरमैन मूवी आई थी, जो लेस्ट दिसंबर में आई थी, तब से बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि अब होने क्या वाला है। बहुत सारे रूमर्स और बहुत कुछ चीज़ें बन रही है, और जो लेटेस्ट पोस्टर ये वाला जो उन्होंने अपलोड कर रखा था, उसके अंदर जो ट्रांजिशन वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच का है, मुझे बहुत पसंद आया। ये स्केच में नेक्स्ट मंथ के आसपास ही बनाने वाला था, सोच रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का कुछ मिक्सर करके बनाया जाए, बट पोस्टर ही रिलीज़ हो गया तो बना रहे हैं अभी। और कौन कौन हाइप है इस मूवी के लिए वो कमेंट कर दो और लिख दो कौन कौन हाइप हो रहा है। बहुत बढ़िया मूवी आने वाली है, जाके देखना है, 6 मई को आ रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। बट उससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पूरी ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जितना टाइम लगता है स्केचेस पूरे बनाने में, मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो। मुझे भी ऐसा लगता है कि इतने लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है। लाइक तो कर ही रहे हो आप, कमेंट भी कर ही रहे हो, तो कर दो। और नेक्स्ट में अगर ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको रियल टाइम में देखना है कि कैसे मैं हर जगह पे कैसे प्रेशर अप्लाई करता हूँ, कैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाता हूँ, अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, तो आप मेरी सेकंड चैनल है श्वेत कैचेस 2.0, उस पर पूरा रियल टाइम ये वाला स्केच देख सकते हो। जब पार्ट 3 लाइव जाएगा उसी दिन 7 बजे मेरी सेकंड चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा, श्वेत कैचेस 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको सारे टूल्स जितने भी मैंने यूज़ किए हैं ये पूरा स्केच बनाने में, अगर आपको बाय करना है तो उनकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जाके बाय कर सकते हो सारे के सारे। तो टेक्निक वाले डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। और टेक्निक में हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ कि ग्रीड टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। उससे आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को अगर आप पूछोगे तो वो एक टेक्निक में बहुत ज़्यादा महारत उसे हासिल ही होगी, बहुत आगे पहुँच चुका होगा वो। बट वो भी एक ही चीज़ बोलेगा कि अगर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बनाना है, जैसे आपके पास A4 शीट है, A4 शीट पे जो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है उसको अगर आपको A1 या A0 बहुत सारे बड़े पेपर में बनाना है, तो उसके लिए ग्रीड टेक्निक बहुत ईजी पड़ती है और उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है कि एक एक दो दो बॉक्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका स्केच धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको पूरी ग्रीड टेक्निक पता करनी है ईजी वे में और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं ग्रीड और कैसे ग्रीड्स बनाते हैं, तो आप आई बटन चेक कर सकते हो, उस पर मैंने पूरा ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो। और नेक्स्ट हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि डायमेंशंस कौन से हैं, मतलब कितने डायमेंशन के ग्रेड है। तो हर बार की तरह जो मैं 3:4 बनाता हूँ, मतलब 4 ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि वर्टिकल ज़्यादा होता है, पोर्ट्रेट फोटोज ज़्यादा होते हैं मेरे, बट इस बार मैंने लैंडस्केप ट्राई किया है। लैंडस्केप इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, वो अगर मैं पोर्ट्रेट ले रहा था तो इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही थी, तो यही रीज़न है। और स्टार्ट करेंगे इसके डायमेंशन से, तो इसके डायमेंशन है 17 बॉक्सेस, मतलब वर्टिकल है, टेढ़े हैं, वर्टिकल नहीं टेढ़े हैं, और 12 बॉक्सेस सीधे हैं। तो आई एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है, और अगर आपको पेपर जानना हो तो मैंने A4 पेपर यूज़ किया है, और 1.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। पेपर की जो GSM है वो 150 GSM है। मैं पर्सनली बोलूँगा कि पेपर पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कभी भी, आप जितना हो सके उतने आपके स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ, पेपर पे इतना डिपेंड नहीं होना है कभी भी। आपके पास जो भी ड्राइंग पेपर है कॉमन, उस पर भी आप अपने स्केचेस बना सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आपको जब डायमेंशन मिल चुके हैं, तो स्टार्ट कोई भी स्केच जब भी आप बनाना स्टार्ट करो तो उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास जो टूल्स हैं उसको आप प्रॉपर साफ़ कर लो, और उसको जैसे साफ़ करने की बात ही आई तो आपके ब्लेंडिंग स्टम्प्स को साफ़ कर लो, आप जितने भी चीज़ें जैसे शार्पनर हो तो पेंसिल्स को ठीक से शार्प कर लो। और आर्टिस्टिक वे में अगर आपको शार्प करने हुए सीखना है कि कैसे शार्प करते हैं आपकी पेंसिल्स को, तो मैंने पूरा ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल बनाने में। तो ये ट्यूटोरियल मैंने वांडाविजन का जो ट्रांजिशन है, अगर आप फोकस करो ये पूरे फोटो पे, तो सेंटर में लेफ्ट साइड वाले फ़ोटो में वांडा है और राइट साइड वाले फ़ोटो में डॉक्टर स्ट्रेंज है, और बीच में जो रियलिटी टूट रही है इसी पे तो पूरा मूवी बन रही है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बन रही है, मतलब रियलिटीज़ पे ही, अलग अलग रियलिटीज़ पे, तो वही दिखाया गया है कि कैसे टूट रही है वो रियलिटी। तो वही ट्रांजिशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे जो राइट साइड वाले उनके हेड्स है वो। तो हम सब जानते हैं कि साइड वाले जो हेड्स है डॉक्टर स्ट्रेंज के, उसमें कुछ बाल वाइट कलर के हैं और कुछ बाल ब्लैक कलर के हैं। तो हमेशा की तरह जो ब्लैकिश हेयर है वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि चारकोल पेंसिल से ही बनाने चाहिए। चारकोल पेंसिल से साइड के हेयर्स आप बना दो पहले, आपको ये
ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस कहाँ जा रही है। आप डायरेक्शंस पे आप बनाओ, जैसे हेयर्स पीछे जा रहे हैं तो आपकी पेंसिल भी वैसे ही पीछे जानी चाहिए। और जो वहाँ जहाँ पे वाइटर हेयर्स बनाने हैं वहाँ पे आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या तो मोनो इरेजर यूज़ करो, और बहुत छोटे हैं छोटे हेयर्स बनाने वाइट कलर के तो उसके लिए मोनो इरेजर, और जो बॉल पेन होती है वाइट कलर की, जेल पेन भी होती है, जेल पेन बोल सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। वो दोनों से एक तरह की चीज़ें बन जाती है। बट वाइट जेल पेन की ये चीज़ है कि अगर एक बार आप यूज़ कर दोगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से आप दूसरी चीज़ें शेडिंग्स और ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँ मोनो इरेजर यूज़ करो। और कुछ बाल ऐसे हैं जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं, तो ग्रे कलर के थ्रू ऑफकोर्स आपको फिर से उसे शेड करना पड़ेगा। और जब आपने चारकोल पेंसिल से बना दिया है तो आपके पास जो ब्रश है, आपके पास मेकअप ब्रश है, पेंट ब्रश है, उसको यूज़ करके आप ब्लेंड कर दो और आपके हेयर्स तैयार हो जाएंगे। एक और बात कि ये जो फ़ोटो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन है, मतलब मैं जितना भी जूम कर रहा हूँ उसमें मुझे उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स दिख रही है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिख रही हो तब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब भी पेशेंस आपका लूज़ होगा आपके स्केचेस बनाते टाइम, जब मतलब जितनी ज़्यादा डिटेल्स, जो बहुत लोग ये चीज़ें करते हैं कि हाइपर रियलिज्म और रियलिज्म डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो चीज़ ये नहीं देखते कि 100-150 घंटे लगते हैं पूरा एक हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस बनाने में। उतना किसी के पास पेशेंस होता ही नहीं है, क्योंकि फेस के अंदर आप अगर आपकी खुद की स्किन देखो तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल्स होगी। अगर वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है आपके पेजेस के अंदर, मतलब ड्राइंग पेपर के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और इसी तरीके से आप वो हेयर्स बना पाओगे। धीरे 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 डिटेल्स देखो, जितना हो सके उतना जूम करो आपके पिक्चर को और देखो कि कहाँ हेयर्स जा रहे हैं, छोटे छोटे हेयर्स बनाओ और जितना हो सके उतनी शार्प करते रहो पेंसिल्स को। हेयर बनाते टाइम हमें डायरेक्ट पूरा ब्लैक कलर का नहीं बना देना है, और मोनो इरेजर से धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहो, एकदम धीरे धीरे, टाइम लगाओ अपने स्केचेस पे। अब हमारा फोकस रहेगा जो फोरहेड है डॉक्टर स्ट्रेंज का, उस पे वांडा विजन के, वांडा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो राइट साइड वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का है फोरहेड उसकी बात करेंगे। तो उसमें भी पहले जो बहुत सारी अगर आप जूम आउट करो तो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स है, छोटे छोटे पोर्स बन रहे हैं, छोटी छोटी लाइंस बन रहे हैं, क्योंकि स्किन टेक्सचर में इतनी डिटेल्स होती ही है। तो वो बनाने के लिए एच पेंसिल से पहले एच पेंसिल यूज़ करो, उससे आप बेस लेयर बना दो। बेस लेयर बन जाए तो उसको ब्लेंड करो टिश्यू से। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बेस लेयर को ब्लेंड करने के लिए टिश्यू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग मिल जाती है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह फैली हुई एक तरह की, कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा और कोई एक जगह पे बहुत कम नहीं। ईयरबड या ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे बेस लेयर को ब्लेंड करने के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे धब्बे रह जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे प्रॉपर नहीं रह पाएगी। तो बेस लेयर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो हमारा टिश्यू, देन उसके ऊपर 3B या 2B पेंसिल यूज़ करो। 2B भी यूज़ कर सकते हो धीरे धीरे अगर आपको ज़्यादा ग्रेड बनाना है तो उसे यूज़ करके बनाओ। और जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है, जैसे फोरहेड का थोड़ा पार्ट डार्कर है, वहाँ पे आप ब्लेंड कर दो, मतलब शेड कर दो। और हमारा सेकेंड पार्ट है, उसमें हम पूरे का पूरे जो डिस्कस करने वाले हैं पूरे स्केच को, तो मिलेंगे कल पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टैटूज़।